हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है। इसका नाम टेनरशेयर CodeDedict करके है और इसके वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो CodeDedictTenorshare.com है। और ये सॉफ्टवेयर विंडोज और मैक के लिए बनाया गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये यूज हो सकता है, आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका नाम है CodeDedict डेटा रिकवरी है और ये 1000 से भी ज़्यादा एक्सटेंशन के साथ में ये डेटा रिकवर कर सकता है। जैसे कि आपका कौन कौन से सिनारियों में आपका डेटा रिकवर कर सकता है, जैसे कि डिलीट हो गया हो, फॉर्मेट हो गया हो, डैमेज हुआ हो, करप्ट हुआ हो, या आपका आपका हार्ड ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या इंटरनल हार्ड ड्राइव है, पूरी पूरी अगर आपका ड्राइव भी फॉर्मेट हो गया, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है, अगर आपका ई ड्राइव फॉर्मेट हो गया है या रो बन गया है तो उसको भी रिकवर कर सकता है ये सॉफ्टवेयर। आप कैसा भी हो, आपका एसडी कार्ड हो, हार्ड ड्राइव हो, एसएसडी हो, कैमरे का एसडी कार्ड हो, कोई भी डिवाइस हो, वो उससे डेटा रिकवर कर सकता है। क्योंकि इसको मैंने पहले यूज किया है, फिर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इसका जो ये देखिए, इतना ट्रस्टेड ट्रस्टेड वेबसाइट है, ट्रस्टेड अपना सॉफ्टवेयर है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, इनके वेबसाइट पे दिखा रहे हैं कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है और 30 डेज मनी बैक गारंटी मिल रहा है अपने को। अगर डेटा नहीं मिल रहा है तो अपना 30 डेज का मनी बैक गारंटी है और 100% सिक्योर है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो फ्री में टेक्निकल सपोर्ट भी है। तो आप लोग इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का अगर लॉस्ट हुआ हो तो आप लोग डेटा रिकवरी हो सकता है आपका इधर। और इधर फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 11.10.8.1.8.7 के लिए भी है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद, डबल क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी एकदम सिंपल इंस्टॉलेशन है इसका, एक क्लिक करेंगे इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, मैंने थोड़ा वीडियो स्किप किया। तो इस तरीके से आप लोग भी ये सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। मैं अभी इंस्टॉल होने के बाद में आप लोग को बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डेटा रिकवरी करेंगे हम लोग, किस तरीके से अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए टेनरशेयर CodeDedict सॉफ्टवेयर है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और हम लोग देख लेते हैं इसमें से फाइल कैसे रिकवर करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक पेन ड्राइव है, इसमें मैंने 3-4 शीट रखी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग के पेन ड्राइव में अभी दिख रही है तीन ही शीट है, तीन डॉक्यूमेंट है तो आपका तीन ही रहेगा, ऐसा नहीं। तो इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ये आगे का भी जो अगर आप फॉर्मेट कितनी भी बार फॉर्मेट कर देते तो भी डेटा उसमें रहता है। तो ये पेन ड्राइव को मैं फॉर्मेट करने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए ये वीडियो इसी क्वालिटी में वीडियो है। और जब मैं फॉर्मेट करूंगा उसके बाद में जब भी मैं ये रिकवर करके आपको दिखाऊंगा तो सेम ऐसा रहेगा, इसकी क्वालिटी में फर्क नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर में देखा कि उसका क्वालिटी प्रॉपर नहीं रहता है। देखिए मैं ये फॉर्मेट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग बोलेंगे अगर डिलीटेड डेटा सिर्फ रिकवर करता है वहाँ कहीं रिसाइकल बिन से होगा, ऐसा नहीं है। आपका अगर पेन ड्राइव अगर फॉर्मेट भी हो गई है या डैमेज फाइल डैमेज हो गई है तो भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं रिसाइकल बिन से भी सारी फाइल डिलीट कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि रिसाइकल बिन से ये रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेन ड्राइव को मैंने फॉर्मेट किया और रिसाइकल बिन से मैंने सारे डेटा डिलीट कर दिया। अभी हम लोग चलते हैं रिकवर करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इसका यूज करने का बहुत आसान तरीका है, ये देखिए आपको सारे पार्टीशन दिखा रहे। तो मैं अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट करके रीस्कैन करता हूँ क्योंकि मैं पहले भी किया था चेक करने के लिए।
तो इसमें जो भी आपको चाहिए आपका डेटा उस पर चेक मार्क लगा देंगे, जिससे जो नहीं चाहिए वो अदर अदर हटा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिकवर कर देता है ये। मैं फोटो नहीं लूँगा, आइडियो भी नहीं लूँगा, मैं वीडियो और डॉक्यूमेंट्स करता हूँ। आपको जो जो भी चाहिए वो सेलेक्ट कर लेना और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये स्कैन करेगा जितना भी डेटा आपका ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा डेटा रहेगा उतना टाइम लेगा। ये देखिए इस तरीके से कुछ दिखा रहा है, डिलीटेड फाइल, फाइल पाथ नॉट फाउंड, एग्जिस्टिंग फाइल, टारगेट फाइल, फाइल नेम नॉट फाउंड, ऐसा करके बहुत सारे वो दिखा रहा है। तो आप लोग व्यू करेंगे अपना, दैट ट्री व्यू है, फाइल व्यू है, और यहाँ पे अपना देख लेंगे जो भी आपको चाहिए वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उस तरीके से दिखाएगा। ये देखिए एक्सेल शीट कुछ रिकवर, एक्सेल शीट भी आ गया है इसमें। ये देखिए मैंने वहाँ पे एक ही एक्सेल शीट रखा था, लेकिन ये देखिए मैंने फॉर्मेट करने के बाद में भी इतने एक्सेल शीट मिले मेरे को, क्योंकि इस पेन ड्राइव में और भी रखा हुआ था। अभी मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूँ रिकवर करके। ये देखिए ये वीडियो है, इसको मेरे को रिकवर करना है, इस पर चेक मार्क लगाऊंगा और रिकवर पे क्लिक करूंगा। और ये कहाँ पे आपको रिकवर करके आपको कहाँ पे ये फाइल रखनी है, रिस्टोर करके कहाँ पे फाइल रखनी है उसका लोकेशन आपको देना है। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे दे देता हूँ मैं, आप लोग को जहाँ पे रखना होगा उसका पाथ दे देना। मैं डेस्कटॉप पे भी डेस्कटॉप पे किया हूँ, तो देख लेते व्यू रिकवर फाइल कहाँ पे, व्यू करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे ऑल फाइल्स आ करके आया, वीडियो MP4। ये देखिए अभी इसका क्वालिटी देखते हैं हम लोग। अब ये मैंने आपको वीडियो प्ले करके दिखाया था, सेम क्वालिटी है। और इस तरीके से आप लोग अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं और इसको फ्री में डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं। अगर आपका डेटा मिल रहा है तो इसको परचेस कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अगर आप लोग परचेस करते हैं तो 30% डिस्काउंट मिलेगा आप लोग को। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहाँ से डाउनलोड करते हैं परचेस करते हैं तो वहाँ आपको आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग फाइल को फ्री में व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका फाइल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है आपको फाइल, आपकी फाइल दिख रही है वहाँ पे, आपको लगता है कि वो मेरा फाइल हो सकता है, ये ऐसा है, ये आपका है, तो इस तरीके से आप लोग रिकवर कर सकते हैं। देखिए मैंने एक्सेल शीट को रिकवर पे लगाया है और डेस्कटॉप ही पाथ दे दिया हूँ कि मेरे को कहीं ढूंढना ना पड़े। ओके, तो इस तरीके से आप लोग भी रिकवर कर सकते हैं फाइल को। और आप लोग को अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके परचेस करेंगे 30% का डिस्काउंट मिलेगा आप लोग को। ओके, इस तरीके से आप लोग देखिए मैंने एक्सेल शीट भी रिकवर किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।